नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ लाइफ 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। बांदा पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, आपको बता देगी, जिसमें कहा गया है कि 6 मई को होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाएगा। और वहीं पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों के साथ ब्रीफिंग करते हुए DIG AK राय, DM हीरालाल, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा तथा पुलिस अधीक्षक LVK पाल मौजूद रहे। आपको बताते चले कि अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को चुनाव आयोग के द्वारा दिए निर्देश के बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया कि सुबह से ही सभी जवान अपने पोलिंग सेंटरों के लिए रवाना होंगे और साथ ही क्रिटिकल वल्नरेबल पोलिंग बूथों पर CPMF की PAC तैनात रहेगी। चुनाव को लेकर जनपद में पुलिस का कड़ा पहरा है, सीमाओं में चार पहियों वाहनों की चेकिंग की जा रही है, पोलिंग पार्टियों को बसों से EVM के साथ रवाना किया जा रहा है, उनके साथ पुलिस सैनिक भी होंगे। भाजपा मंडल अध्यक्ष ज्योति गुप्ता ने भाजपा की नीतियों को बताते हुए किया जनसंपर्क। आपको बता दें कि ब्रजभूमि की बलदेव सीट से 5 बार के विधायक मृदुभाषी जनप्रिय जननायक कर्मष्ट श्रीमान पूरन प्रकाश जी के साथ मंडल अध्यक्ष ज्योति गुप्ता, मंडल मंत्री पवन वर्मा, शैलेंद्र विश्वकर्मा के साथ मंडल सिरोली गोसपुर के वदो सराय, हजरतपुर, मरकामऊ, सियामऊ, भेसुरिया, तारापुर, राजापुर, दरीगापुर आदि गाँव का सघन जनसंपर्क कर बाराबंकी के चौकीदार का प्रतिनिधित्व करने वाले उपेंद्र राजभ के लिए जनसंपर्क मांगा। वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को एक बार फिर पुनः समय देने की प्रार्थना जनता जनार्दन से की। जनता से मिले अपार समर्थन व प्यार से एक बार फिर मोदी सरकार का संकल्प पूरा होता प्रतीत हो रहा है। साथ में उनकी टीम को बहुत बहुत आभार व धन्यवाद दिया। ओबरा चिल्ड्रन पार्क में मतदाता जागरूकता अभियान। आपको बता दें कि सोनभद्र में लोकसभा निर्वाचन 2019 में विधानसभा ओबरा के ओबरा चिल्ड्रन पार्क में मतदाता जागरूकता अभियान के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अंकित कुमार अग्रवाल, जिला निर्वाचन अधिकारी पुलिस अधीक्षक सलमान ताज पाटिल, मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, स्वीप प्रभारी RK भारती ने लोगों को जागरूक कर जनपद में मतदान का प्रतिशत 90% से अधिक करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 4000 से ज्यादा मतदाताओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया। सबसे मुख्य बात यह रही कि इस कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक श्री गोडाला किरण कुमार अग्रवाल एवं श्री दिनेश कुमार नानल द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सभी मतदाताओं को बताया कि बूथों पर EVM मशीन के साथ VVPAT मशीन भी लगाया जा रहा है, जिससे यह आपको पता चलेगा कि आपने जिसको वोट दिया है उसमें से एक पर्ची आपको दिखाई देगी, जिसको आप 7 सेकंड तक देख सकते हैं। आप जिसको वोट देंगे उसी का चुनाव चिन्ह पर्ची आपको दिखाई देगी। अतः आपसे अपील है कि सभी लोग चढ़ बढ़कर मतदान में हिस्सा लें। इस कार्यक्रम में अधिकारी व गांव के 5000 से अधिक आदिवासी मतदाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया और यह संकल्प लिया गया कि हम सभी मतदान करेंगे। उस समय यहाँ 45% की वोटिंग कुछ गांव में हुई थी। दिव्यांगों साहब ने हम लोगों को बुला के कहा था और हम लोगों ने अधिकतम प्रयास किया। निश्चित रूप से जिन गांवों में 45% था उसको हम लोग 80 तक ले गए, कहीं 73 ले गए, कहीं 62 ले गए और हम लोगों ने निश्चित रूप से प्रयास किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें UP Life 100 न्यूज़।